कोरोना संक्रमण को रोकने और नागरिकों की जान बचाने, स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दुरुस्त करने हेतु केंद्र व मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। नागरिकों के जागरूक होने से ही हम विपरीत हालत पर काबू पा सकते हैं। यह बात विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब तक किए गए प्रयास को विस्तार से बताया। नगर के समाज सेवी लगातार अस्पताल के लिए आर्थिक मदद और संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ मिल सके। समाज सेवी बलराम सिंह बैस ने 1,00,000 रुपयों की राशि रोगी कल्याण समिति को जरूरतमंद मरीजों को अति आवश्यक दवा मुहैया कराने हेतु भेंट की। विधायक ने नगर की सभी सेवाभावी समितियां, अमृत सेवा समिति, मित्र मिलन परिवार, YTT ग्रुप, पाशा, तरुण सेवा भारती सहित सभी सेवाभावी युवकों की सराहना की। वैक्सीन लगवाएं और कहीं ना कहीं आप सब पत्रकारों की इस कोरोना लड़ाई में अहम भूमिका रही है। आप सारे पत्रकार लोग और हम सब लोग सामाजिक मिलकर जैसे रोको टोको अभियान चलाते थे, ये जरूर चालू करें, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा, आज नहीं कल खुलेगा, लोग तेजी से पुनः वापस माहौल में जाते हैं, उत्सव को माहौल लगने लगता है। आज हम कहीं ना कहीं कोरोना के कारण हमारे बहुत से साथी, सामाजिक बंधु, हमारे पड़ोसियों को हम खो चुके हैं। इसलिए ये बीमारी हम पर हावी ना हो, इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगाना है, बस इतने ही निवेदन करना चाहिए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने कहा, विपरीत काल में हम नागरिकों की जान की सुरक्षा के लिए कहीं कोई कमी है तो नागरिक अवगत अवश्य कराएं, ताकि उसके समाधान का प्रयास किया जा सके। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता नवनीत सिंह नागपाल, नगर अध्यक्ष बलराम ठाकुर, गिरधन बल आदि उपस्थित रहे। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।